कम सोलर पैनल पे पानी भी ज़्यादा, और उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आप अपने घर का लोड भी चला सकते हो। तो जी हाँ, मैंने यहाँ पे इन्वर्टर के साथ घर का लोड भी चला दिया है। तो मैंने पैनल लगाए हैं इसके साथ 8 और 8 सोलर पैनल पे, जो इन्वर्टर के अंदर से निकल के जा रहे हैं मोटर की तरफ। वोल्टेज वो हैं 220 वोल्टेज की प्रोग्रामिंग हर बंदा ही जानता है और हर बंदे को पता है। अगर आपको इस प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पता या आप इसके हवाले से नए हैं तो आपको मैं बताता चलूँ, 220 वोल्टेज 8 सोलर पैनल के ऊपर मोटर चल सकती है, 8 सोलर पैनल पे 380 वोल्टेज बनते ही नहीं है। तो जब आप इन्वर्टर से ले ही 220 रहे हो तो आप अपने घर का लोड भी चला सकते हो इसके साथ। तो घर के लोड के लिए आप जो है अमूमन नॉर्मल चीज़ें, फैन वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह इजीली चला सकते हो, इस्त्री भी चला सकते हो, और आपकी जो मोटर होती है वो डेल्टा पे चल रही होती है और डेल्टा पे मोटर 220 पे ही चलती होती है और पानी भी इसका अच्छा होता है। और आजकल तो 8 सोलर पैनल 585 वाट, 12 सोलर पैनल या 14 सोलर पैनल जो कि 440 वाट या 330 वाट के पैनल आया करते थे उनका मुकाबला इजीली करते हैं, क्योंकि वो पैनल पावर में कम थे लेकिन वहाँ उनके वोल्टेज पूरे हो जाते थे 380। तो इसलिए यहाँ पे वोल्टेज पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से हम 220 वोल्टेज के ऊपर 3 फेस मोटर चलाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।